उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होगे आप। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, उन्होंने अब तक तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि जितने भी मैं प्रडिक्शंस दे रहा हूँ वो सारे के सारे ट्रू है। यस, HEG के बारे में मैंने जो जो बोला ऑलमोस्ट 99% सारी चीजें जो सच हो गई है और हो रही है। आज मैं वापस एक बार, आज आपने HEG लिमिटेड में क्या गलती की और कैसे आप अपनी गलतियों को सुधार के शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बना सकते हो, इस वीडियो को लेके आया। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो है मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे ईमेल आते हैं, लोग पूछते हैं सर अब कल हम क्या करें। तो ये जो वीडियो है, रोज मैं एक वीडियो लेके आता हूँ, दो वीडियो लेके आता हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए है। तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता हूँ, जिसके वजह से आपका नॉलेज जो है बढ़ते रहता है। तो शुरू करने से पहले मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि अंत तक वीडियो जरूर देखें, आज सिर्फ और सिर्फ HEG लिमिटेड शेयर पे, क्योंकि बहुत लोग फंसे होंगे मेरे बॉस, या फिर हो सकता है किसी को इसमें इंटरेस्ट आ जाए। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए जब शेयर इतना ज्यादा 127% का परसेंटेज ग्रोथ दिया था पिछले एक मंथ में, और 2 दिनों से कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लग रहा है, तो उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बॉस, और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस आपके तरफ पहुंचते रहे। तो मैं आज की वीडियो में बहुत ही तड़कता भड़कता होने वाला ये वीडियो, तो देखते हैं HEG लिमिटेड क्या बोलता है। अगर बात करता हूँ दोस्तों पिछले 5 डेज के ग्राफ की, तो ये 833 पे है और आज भी 43 रुपीज ये गिरा है शेयर, 43 रुपीज लगातार 2 कंटिन्यूस अपर लोअर सर्किट इस शेयर ने मारे। मैंने बताया था आपको, बताया था कि देखते रहिएगा, फ्राइडे को ही आगाह किया था कि भैया देखते रहिएगा कितने लोअर सर्किट मारेगा। तो लोअर सर्किट क्या चालू हो गया है कि नहीं हो गया, ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है। अंत तक देखते रहिए, देखते रहिए अंत तक। अगर दोस्तों मैं बात करूं अगर लोअर ट्रेंड की, तो लोअर ट्रेंड ये यहाँ पे खत्म हुआ था 419 रुपीज पे, और इस शेयर ने 419 रुपीज से कंटिन्यू अपर सर्किट मारे। कंटिन्यू अपर सर्किट मारने के बाद 953, मेरे ख्याल से 949 955, ये देखिए हाईएस्ट था 955 पे जाने के बाद इसने कंटिन्यू 2 लोअर सर्किट मारे। देखो अप ट्रेंड पे इसका हैमर लगा है, वो भी रेड हैमर है बॉस। जब भी रेड हैमर अप ट्रेंड में लगेगा तो ये संकेत होते हैं कि मान के चलो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और उसके बाद में शेयर ने गिरना चालू किया है, 953 से गिरना चालू किया। अगर मैं बात करूँ ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम थे, बट सडनली यू नो 2 दिनों में वॉल्यूम बढ़ के पूरा सेलिंग प्रेशर आ गया, रेड कैंडलस्टिक्स बनी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, सेलिंग साइड में बहुत ज्यादा थे, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बना। तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रहे हो, किस टाइप से टेक्निकल एनालिसिस करना है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ, रेड हैमर, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत होने की शुरुआत हो चुकी थी। देखते हैं आज का क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या गलती आप कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इस शेयर में बिहेव करना है। ये देखो दोस्तों, ये सबसे क्रूशियल फिगर है ये। इस फिगर में अगर आप देखते हो तो ये जो है हैमर है, उसके बाद में शुरुआत होती है लोअर ट्रेंड की, और ये देखिए 841.3, ये जो एक है ना बॉस, अगर इसको जूम करके देखोगे आप तो ये पक्का ग्रैवस्टोन डोजी है, ग्रैवस्टोन डोजी। जब भी ग्रैवस्टोन डोजी डाउन ट्रेंड में लगती है ना बॉस, तो शुरुआत है तबाही की मेरे ख्याल से। तो ये जो है वापस जाने वाला है, डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, ऐसे मेरा जो है प्रेडिक्शन है। आप लोगों को जो है अपना पैसा है, आप खुद का दिमाग लगाइए, पर क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। बाय नहीं करना है अभी, बाय नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया 127% जो है ये हो सकता है कि रिसेंट फ्यूचर में ये शेयर में कहीं अगर सपोर्ट मिल गया ना बॉस, तो वापस ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग न्यूज आनी जरूरी है। ये जो डाउन ट्रेंड हुआ है ना, इस डाउन ट्रेंड के पीछे और भी एक रीजन है, वो भी मैं दिखाऊंगा,
उनकी जो पीआर कंपनी है ना उनके साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। यस, उनके साथ ब्रेकअप हो गया। तो ये जो है ना आज का जो कैंडल बनी है दैट इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी, बियरिश पैटर्न में बनी है, वो बियरिश सिग्नल है मेरे दोस्तों। तो बहुत ज्यादा संभल के ट्रेड करना, शॉर्ट कर सकते हो आप, शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट रन में पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अदर टेक्निकल पैटर्न की मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करता हूँ बोलिंजर पैटर्न की, तो मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि बोलिंजर का जो टॉप है उसको यहाँ पे जो है उसने ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस थे, बट वापस उसने ये जो पैटर्न है वो अंदर आ गया है और उसके बाद में हैमर मारा, हैमर मारने के बाद वो लोअर स्ट्रीम में चला गया। तो इसका मतलब टॉप जो है, टॉप में और इस पैटर्न में जो है अभी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस नहीं है, शेयर इज अंडर कंट्रोल। और हो सकता है कि ये जो है लोअर, जो है लोअर बैंड, देखो लोअर बैंड में 409 रुपीज है, 409 रुपीज पे लोअर बैंड चल रहा है, तो इसका मतलब शायद हो सकता है ये मिडल बैंड को जो है ब्रेक करके लोअर बैंड की तरफ आ सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, शॉर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो, पर और कल का जो है, कल का डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल के दिन को देखने के बाद जो है परसों के दिन से आप शॉर्ट करना चालू कर सकते हो, ये मेरा एडवाइस है। बट आपका पैसा है, आपको लगाना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी पर्सनल राय है। अगर दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर की बात करूँ तो आप देख सकते हो रिसेंट में जो है सेलिंग प्रेशर देखो कैसे बढ़ा है, रिसेंट में सेलिंग प्रेशर देखो कैसे बढ़ा है, बहुत भयंकर जो है सेलिंग मारी है। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए होंगे और तुरंत अब सब लोग सेलिंग करना चालू कर देंगे जिन्होंने 419 रुपीज पे बेचा होगा, या फिर मेरे ख्याल से तो ये जो स्टॉक है करंटली इज प्योरली इन ऑपरेटर्स हैंड, ऐसे मेरे को लग रहा है, और ऑपरेटर जो है अपना पैसा बेच के निकल जाएगा। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो शायद फंस सकते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद ही इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा जो है सतर्क रहना है। इसके पहले भी मैंने HEG के बारे में आपको बहुत सारी न्यूज़ दिखाई थी, न्यूज़ में स्पेसिफिकली बोला है कि इंडिया हैज एंडेड एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो एंड की अगर वो चालू हुई तो शायद इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो मैंने बहुत सारे HEG पे वीडियो बनाए, वो वीडियोज़ देखिए आपको पूरा पता चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी ने जो डिस्क्लोजर दिया है वो ये दिया है कि कंपनी ने जो है टर्मिनेट किया है इट्स अग्रीमेंट विथ अ मीडिया कंपनी। ये कंपनी ही जो है उसका एक मीडिया कंपनी के साथ जो है, दैट कंपनीज नेम इज एड फैक्टर्स PR कंपनी, पब्लिक रिलेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिसेंटली जो है एंड किया है। क्या रीजन था वो तो उन्होंने बताया नहीं है, बट इस कंपनी के साथ उन्होंने जो भी वो उनका पब्लिक रिलेशन देखती थी वो कंपनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड किया और वो SEBI को इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद में एक न्यूज़ वापस आई थी कि HEG के दिन वैसे तो चेंज होने वाले नहीं हैं रिसेंट फ्यूचर में, ये एक न्यूज़ थी। इसके वजह से मैं ये बोलूँगा कि स्टॉक इज करंटली नॉट ट्रेडिंग ऑन यू नो बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स, बट इट इज प्योरली लुकिंग लाइक इट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो हो सकता है कि जो भी इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा जो है उसमें फंसा सकते हैं, वो फंस जाएंगे। तो इसके लिए ये जो वीडियोज है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोज पहुँचाओ और उनको पता चले कि HEG में करना क्या, शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट रन में शॉर्ट कर सकते हो। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं और आप लोगों को बताऊंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो HEG जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आज जो है बियरिश जो है डोजी फॉर्म हो चुका है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्टर्स के लिए कि शॉर्ट रन में आप लोग पैसा बना सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये जो कोरोना टाइम है ये जाएगा, जैसे भी कोरोना टाइम जाएगा मेरे दोस्त बहुत अच्छा जो है स्टॉक मार्केट वापस रिवाइव करेगा। यू प्लीज़ यू नो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मैं तो यही बोलूँगा कि आप सभी लोगों को अपना खुद का ध्यान रखना है, एंड ये दिन भी जाएंगे स्टॉक मार्केट में। और भी कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं उसको लेके मैं कल आऊँगा। हर रोज़ मैं दो वीडियोज़ डालता हूँ, कभी एक वीडियो डालता हूँ,
तो सारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बनाने का काम आप सभी लोगों का है। तो जाते जाते बोलता हूँ कि गुड नाइट।